तो भाई साहब मैं इस फिल्म के राइटर का दोनों पैर छूना चाहूंगा ऐसी फिल्म बनाने के लिए। अभी अभी मैंने देखी फिर आई हसीन दिलरुबा, स्टेरिंग तपासी पन्नू, विक्रांत और सनी, और साथ में आपको इसमें जिमे भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू मैं कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर डाला था, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके लिए धन्यवाद। और बात करूँ इस मूवी का, तो इस मूवी को देखने के बाद तो मेरा दिमाग एकदम खराब ही हो गया। इस मूवी को मैं एक लाइन में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, चीन टपाक डम डम। इस फिल्म का पहला पार्ट हसीन दिलरुबा 2021 में आई थी, उसके बाद 2 साल बाद 2024 में इसका पार्ट 2 आया। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप ये मूवी भी देख लोगे ना, आपको उस मूवी के साथ पूरा अटैचमेंट मिलेगा। और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। बात करूँ मूवी की स्टार्टिंग की, तो तपासी पन्नू भाग के जाती है पुलिस चौकी और बोलती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा था। इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने के बाद अपने को ऐसा लगता है कि जो ट्रेलर काटा था उसी के अंदर पूरी स्टोरी बता दी है, और अब जो जो होने वाला है इस मूवी में वो सब हमको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये मूवी की यही खासियत है। जैसे कि पार्ट 1 में देखे थे, रानी के प्यार में रिशु उल्फ विक्रांत अपना हाथ काट देते हैं, और वो जो मर्डर किया रहता है वो तपासी पन्नू ने किया रहता है। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि पुलिस इनके पीछे पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन स्टार्टिंग में तपासी पन्नू को आप देखोगे कि वो भाग के पुलिस चौकी आती है और बोलती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। और गजब की बात यह है कि मुझे लगा था कि विक्रांत मार डालेगा तपासी पन्नू को, लेकिन कुछ अलग ही होता है, जो कि आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी की लेंथ कुछ 2 घंटा 11 मिनट की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ी मूवी भागती है स्टोरी को लेके, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा लेंदी हुआ, थोड़ा सा खींचा गया, और लास्ट का भाग तो बहुत ही लाजवाब है। इस मूवी में आपको CID के अभिजीत भी मिलेंगे, जो कि पार्ट 1 में भी थे, लेकिन उनको थोड़ा सा रोल और देना चाहिए था, बहुत कम रोल है उनका। पुलिस की लीड रोल में जिमी को रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रोल अभिजीत जी को भी देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। और इसी के बीच में जो सनी है, जो एंट्री किया है इस मूवी के अंदर, जो कि पार्ट 1 में नहीं थे, पार्ट 1 में लवर कोई और थे, इसके अंदर सनी जी है। और रानी के नए आशिक अभिनव उल्फ सनी की भी एंट्री स्टार्टिंग में ही हो जाती है, और उसके बाद अभिनव का जो लुक है और जो उसकी हरकतें और जो उसका काम है उसको देखने के बाद, और जब लास्ट में आप अभिनव को देखोगे ना, आप बोलोगे कि भाई राइटर ने आपके साथ खेल गया है। और इस मूवी के अंदर आपको शायरी भी बहुत देखने को मिलेगी, जो कि दिनेश पंडित के द्वारा लिखी गई है किताब में। तो इस मूवी में दिनेश पंडित का भी बहुत बड़ा रोल है, भले ही उनको नहीं दिखाया गया, वो एक राइटर थे, किताब लिखे थे, जो पूरी मूवी में कांड हुआ है उन्हीं की किताब को पढ़ पढ़ के हुआ है। इस मूवी में आपको कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैचमेंट मिलेगा, या फिर रानी हो, या फिर रिशु हो, या फिर अभिनव हो, और यही अटैचमेंट आपको मूवी को लास्ट तक देखने में मजबूर कर देगा। जो इस मूवी का राइटर है वो व्यूअर्स के दिमाग के साथ इतना खेला है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। अपने को लगा कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब वो होगा, लेकिन भाई एकदम अलग होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है। बात करूँ थोड़े नेगेटिव पॉइंट की, तो इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अच्छा हो सकता था, कहीं भी कुछ भी बज रहा है, कहीं घोड़े की आवाज आ रही है तो कहीं पे बैंड बाजा बारात, लेकिन वहाँ उससे कुछ रिलेटेड था ही नहीं। मैं बोलूंगा कि ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी देखो और कमेंट बॉक्स में बताओ ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।